सिद्धू मूसेवाला केस सुलझाने वाले अफसरों की बढ़ाई गई सुरक्षा, गैंगस्टर लखबीर लांडा ने दी थी धमकी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को सुलझाने वाले अफसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब से फरार होकर विदेश में बैठे गैंगस्टर लखबीर लांडा की धमकी के बाद से ये कदम उठाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कुल 12 अफसरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के 3 अफसरों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। इन अफसरों के नाम स्पेशल कमिश्नर HES धालीवाल, DCP काउंटर इंटेलिजेंस मनीष चंद्र, DCP स्पेशल सेल राजीव रंजन है। इतना ही नहीं, मूसेवाला केस को सुलझाने वाले अफसरों में शामिल ACP ललित मोहन मेगी, हृदय भूषण समेत कुल 9 इंस्पेक्टर को एक एक कमांडो दिया गया। लखबीर सिंह लांडा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का सहयोगी है। वे अभी कनाडा में है, वहीं से पंजाब में गैंग ऑपरेट कर दहशत फैला रहा है। लांडा ने करीब 1 महीने पहले सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि उसके पास स्पेशल सेल के एक एक अफसर का नाम और फोटो है। उसने इन अफसरों को पंजाब में कदम ना रखने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने बताया कि लखबीर सिंह पर पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में शिवसेना नेता की हत्या के मामले में और मोहाली RPG अटैक में लखबीर सिंह का नाम जांच में सामने आया था। लखबीर सिंह खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के साथ मिलकर ISI के इशारे पर काम करता है। लखबीर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा था कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सभी अफसरों के फोटो हमारे पास हैं। अगर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के किसी भी अफसर ने पंजाब में कदम रखा तो उसका अंजाम बुरा होगा। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को बताया गया। उसी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर अपने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 34 लोगों को आरोपी बनाया है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।